नमस्कार, आप सबकी कुशलता चाहते हैं और आज का ये प्रेडिक्शन है तुला राशि के मंगल हम सबको कैसा फल देने वाले होंगे इसके बारे में। तो मंगल का ऑलरेडी 2023 में ये तुला राशि में भ्रमण शुरू हो चुका है। 3 अक्टूबर को शाम को 7:59 यानी कि अप्रोक्सीमेटली शाम को 6 बजे मंगल का तुला राशि में भ्रमण शुरू हो चुका है। आज तारीख 4 है और कल शाम को ये भ्रमण शुरू हो चुका है तुला राशि में और ये 16 नवंबर 2023 तक तुला राशि में चलने वाले हैं। और अभी जो मंगल चल रहे हैं ये चित्रा नक्षत्र के 3रे चरण में हैं और उसके बाद चलेंगे चित्रा नक्षत्र के 4थे चरण में और 13 अक्टूबर को मंगल चलेंगे स्वाति नक्षत्र में और 1 नवंबर को चलेंगे मंगल विशाखा नक्षत्र में। विशाखा का 3 चरण जो है वो भी तुला राशि के अंदर हैं। तो 16 नवंबर तक जो है मंगल तुला राशि में चलेंगे और 17 अक्टूबर को जो सूर्य है ये भी तुला राशि में चलेंगे। तो साथ साथ दोनों 16 नवंबर तक तुला राशि में चलेंगे। तो ये सूर्य का सॉरी मंगल जो है तुला राशि में हम सबको कैसा फल देने वाले होंगे, पर्टिकुलरली आज का वीडियो इसके बारे में है। तो मंगल जो है इसको एनर्जी बोलते हैं। मंगल फाइटिंग स्पिरिट है। मंगल हमारे शरीर में जो भी ब्लड है, खून है, ये सब मंगल ग्रह के अंडर में है। तो ये हमारा नेचर भी इंडिकेट करते हैं कि मंगल कौन से नक्षत्र में है। तो मंगल इसका हिसाब से आप इस कोई भी जातक की प्रकृति जज कर सकते हैं कि इसका नेचर ठंडा है, लड़ाकू है, कॉमिक है, बातूनी है, या अकेले रहना पसंद करने वाला है, या राजसिक स्वभाव वाला है, या तामसिक स्वभाव वाला है। ये सब आप मंगल के नक्षत्र से आप चेक कर सकते हैं। तो मंगल तुला राशि एक तो वायु तत्व की राशि है और शुक्र की राशि है। अब शुक्र की राशि के अंदर मंगल जो है ये कैसा फल देंगे, तो एक प्रकार से तो मंगल जो है ये आगजनी की घटना आपको शायद एटमॉस्फेयर में ज़्यादा देखने को मिल सकती है। हवा में आग वाले जो इंसिडेंट होते हैं, मंगल माने फॉरेस्ट, मंगल माने जंगल, तो ज़मीन के ऊपर कहीं कहीं आग निकल सकती है, फॉरेस्ट में आग लग सकती है, हवा में आगजनी के बनाव बन सकते हैं, या जैसे कि कोई विमान क्रैश हो जाना है या फिर मिसाइल्स का जो अभी युद्ध का माहौल तो ऑलरेडी चल रहा है यूक्रेन रशिया के बीच में, तो जो भी ये सब मिसाइल जाती हैं वो भी आग का स्वरूप है हवा के अंदर। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो तुला के जो मंगल है मेष राशि वाले जातकों के लिए सप्तम स्थान में है। तो जो भी जातक विवाहित हैं, दाम्पत्य जीवन में मैरिड हैं, ये जातकों को पर्टिकुलरली अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में केयर करना होगा। 2 नंबर यानी कि टॉरस वाले जातकों के लिए मंगल 6th हाउस में चलने वाले हैं जो कि आपको शत्रु विजय करवाने वाले हैं। 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए मंगल 5th स्थान में चलेंगे, तो पूर्व जन्म के या इस जन्म के जितने भी शुभ कर्म किए हैं इसका हिसाब होने वाला है और इसके हिसाब से आपको शुभ या अशुभ असर होने वाला है। 4 नंबर के लिए फल शुभ नहीं है। 4थे स्थान में चलने वाले मंगल थोड़ा छाती के ऊपर है जो अननेसेसरी टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। 5 नंबर यानी कि सिंह राशि के लिए मंगल पराक्रम भवन में है जो साहसिकता आपकी बढ़ाने वाले हैं। 6 नंबर के लिए कन्या राशि के लिए मंगल जो धनस्थान के अंदर चल रहे हैं, आपको वाणी में संयम बरतना है, खास करके कुटुंब के अंदर आँखों का भी आपको विशेष केयर करना है। 7 नंबर के लिए मंगल आपकी राशि के अंदर है जो माइंड का एग्रेसिवनेस थोड़ा आपका बढ़ा सकते हैं, तो पार्टनर के साथ रिलेशन में ज़्यादा केयर करना होगा, माता के साथ करना होगा। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मंगल जो है वो 12वें स्थान में चलने वाले हैं, तो
आकस्मिक कुछ खर्च आ सकता है, मेडिकल एक्सपेंसेस आ सकते हैं, और रिलेशनशिप में आपको अपने भाई बहन नेबर्स अपने पार्टनर ये सबके साथ केयर करना होगा। और धनु राशि के लिए जो मंगल लाभस्थान में चलने वाले हैं, जिसके कारण आपको मित्रों से लाभ करेंगे, लेकिन संतान रिलेटेड सामान्य चिंता टेंशन आपका बढ़ सकता है। मकर के लिए मंगल दसवें स्थान में है, राजयोग का रखे हैं, जॉब में करियर में जबरदस्त आपका प्रोग्रेस होने वाला है। और यदि आप रियल एस्टेट सेक्टर से कनेक्टेड हैं तो आपका कुछ जबरदस्त काम भी होने वाला है। 11 नंबर के लिए भाग्य वृद्धि निश्चित है, स्मॉल डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस यात्रा प्रवास ट्रेवलिंग आपको लाभ करने वाला बन सकता है, नए कॉन्टेक्ट बनेंगे, आपको लाभ रहेगा। और 12 नंबर के लिए मंगल अष्टम स्थान में चलेंगे मीन राशि के लिए, तो पारिवारिक समस्या शायद बढ़ सकती है, वाणी में सेम बरते खास करके कुटुंब के अंदर आंखों का विशेष केयर करना है। तो इस प्रिडिक्शन को एक लाइक का बटन जरूर बनता है, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाले हैं।